दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रेलिगियर फिनवेस्ट द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा को पूर्व रेनबैक्सी मालिकों मालविंदर और शिविंदर सिंह और तीन अन्य को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मालविंदर सिंह ने इस आधार पर हिरासत का विरोध किया कि वह जांच में शामिल हो गया था और अपनी क्षमता के अनुसार उसने सवालों के जवाब दिए। उनकी ओर से ये तर्क दिया गया कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय को संस्थानों की एक सूची दी, साथ में उन्होंने कहा कि एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया मालविंदर द्वारा बकाया राशि चुकाने के लिए इन संस्थाओं से पैसा वसूलने के लिए संपर्क किया जा सकता है। इस प्रकार पैसे की वसूली के लिए जांच अधिकारी द्वारा हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं, ये तर्क मालविंदर के वकील ने दिया। इससे पहले रेनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह ने राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। मलविंदर सिंह का कहना था कि यह इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उनकी इस याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को पुलिस ने रेनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह को देर रात गिरफ्तार किया था। मलविंदर सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने गुरुवार देर रात पंजाब से पकड़ा। इससे पहले दिल्ली पुलिस शिवेंद्र सिंह को धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। मालविंदर की गिरफ्तारी से पहले शिवेंद्र सिंह समेत 4 लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने रेलिगियर एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा मिली शिकायत के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। अन्य 3 आरोपी हैं सुनील गोदवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना। रेलिगियर का आरोप है कि इन तीनों ने कंपनी से मिले फंड में हेराफेरी की और उसे बिना जानकारी के डाइवर्ट किया। एजेंसी की ओर से प्रवर्तन मामला जांच रिपोर्ट या ECIR दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट।